हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम दास और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। मेरे पास एक होम थिएटर है जो आपका सोनदेस कंपनी का है, तो इसमें आपका एक स्पीकर नहीं बज रहा है बैक साइड का आउटलाइन का। तो चलिए मैं उसको दिखाता हूँ कहाँ प्रॉब्लम है और क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, क्या खराब है। चलिए, और अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देख सकते हैं होम थिएटर, मैंने इसको ऑन कर दिया हूँ अभी फिलहाल। ये इसमें सिर्फ ये देख सकते हैं, ये सोनदेस कंपनी का है। ठीक है दोस्तों, और ये इसका बेस, ये मॉडल, ये आप लोग देख सकते हैं। और इसमें आपका प्रॉब्लम, मैं बेस दे देता हूँ तो ये बजने लग जाता है, आवाज़ सुन सकते हो आप लोग। अभी जो आपको स्पीकर लगा के देखा तो आप लोग आवाज़ सुनिए इसका। ये आवाज़ सुन सकते हो आप, और इसे एक साइड में बज रहा है, और ये देखिए ये साइड में कोई आवाज़ इसका नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं, तो इसका राइट साइड नहीं बज रहा है और आपका लेफ्ट साइड वाला बज रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग चेक करेंगे, पहले इसको खोलेंगे क्या ख़राब है चेक करने के लिए। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और इसको खोलता हूँ। तो मैं इसको खोल लेता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद में आप लोगों को दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं मैंने इसको खुल लिया ऑलरेडी। अभी मैं आपको दिखा तो इसमें ये देख सकते हैं इसके अंदर का ट्रांसफार्मर और स्पीकर। अभी है ये है इसका सर्किट। अभी ये हमारा प्रॉब्लम है आपका यहाँ पर ही, ये तीनों आईसी से आपका एक आईसी खराब होना चाहिए, जो कि हम लोग का कौन सा साइड नहीं बज रहा था, ये सेट ये राइट साइड में नहीं बज रहा था। तो राइट साइड क्या हो गया मेरा, यहाँ पर स्पीकर लाइन देखता हूँ, हमें यहाँ पर से ये वाला नहीं तो ये वाला कोई एक ऐसी ख़राब है। ठीक है, तो इसमें इनमें से ही ख़राब है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वापस। तो पेन ड्राइव को मैं निकाल लेता हूँ, तो इसमें छूने से ही पता चल जाएगा ऑडियो आ रहा कि नहीं आ रहा। तो मैं इसको लगा देता हूँ जो साइड आपका बज रहा था, तो मैं इसको पावर दे देता हूँ। तो मैं इसको पावर दे दिया, वो देख सकते हैं ग्लास में पावर आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको छू के पता चला लूँगा कौन सा ऐसे खराब था कौन सा नहीं है। ये देख सकते हैं स्पीकर में ऑडियो आ रहा है, इसमें से दिखा कर दिखाता हूँ। हेलो, ये देख सकते हैं तो ऑडियो आ रहा है। इसमें जब मैं ऑडियो में उंगली लगाऊँ तो ये वहाँ पर देखिए ऑडियो आ रहा है, और यहाँ पर छू तो हमारा ये ऐसी ख़राब है जो इसमें नहीं बज रहा था। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली अभी इस ऐसी को रिप्लेस करूँगा। ठीक है, ये ऐसी को रिप्लेस करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं निकल लेता हूँ पहले सोल्डरिंग या आप लोग इसको पहले इस प्रकार से पाम से भी निकल सकते हो और आपको सोल्डरिंग करके निकाल लेता हूँ। पहले मैं निकाल लेता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को दिखा दूँगा बस। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं ये सोल्डरिंग से इसको इस प्रकार से लगाऊंगा और आपको उठा दूंगा। ठीक है, और आपको उठा लेता हूँ पहले। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसका मैंने सोल्डरिंग निकल लिया हूँ। तो अब मैं इसको यहाँ पर नट लगा हुआ है देखिए बीच में, तो इसको मैं इस फटाफट से खोल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आईसी का ज़्यादा प्राइस नहीं है, तो इस प्रकार से आप लोग का अगर ख़राब होता है तो घर पे ही रिपेयर कर सकते हो, अगर आपके घर पे एस्टूमेन है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप लोग
इसको खुद ही कर सकते हो। और ये देखिए 2020 2030 है ये IC, ठीक है। मैं आपको नंबर बता रहा हूँ 2030, ठीक है। और मैं इसको अभी लगाऊंगा, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी मैं IC इसमें नया नहीं डालूंगा, ठीक है। ये देखिए मेरे पास एक सर्किट है, ये सर्किट से मैं IC निकालूंगा, वो भी आपका 2030 का ही है IC। मैं आप लोगों दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो 2030 जो ये IC है, मैं इसको निकालूंगा और उसमें डाल दूंगा, ठीक है। देखता हूँ बचता है कि नहीं बचता, ठीक है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये IC है जो मैंने यहाँ से सोल्डरिंग निकल दिया हूँ, और अभी मैं इसको निकल लेता हूँ। ठीक है, तो ये IC है 2030, ठीक है। तो मैं इसको वापस, मैं इसको यहाँ पर बिठा देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो इसको मैं नाट लगा देता हूँ, और नाट जो आपको लगाना है बहुत ही टाइट करके लगाना है, जो अगर इसमें लूज ना हो, इस प्रकार से नाट टाइट करना है। और आपको यहाँ पर देखिए मैं आपको सोल्डरिंग कर दूँगा, ठीक है। अभी मैं इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ, उसके बाद में मैं पावर देख के देखता हूँ अगर IC सही होगा, क्योंकि मैं पुराना IC इसमें यूज़ कर रहा हूँ, फेंका हुआ IC। अगर सही होगा तो ये बजने लगेगा, ठीक है। अगर सही नहीं होगा तो वापस मुझे इसको खोल के रिप्लेस करना पड़ेगा, दूसरा एक लगाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये ख़राब होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो सर्किट मैंने ज़्यादा दिन फेंका हुआ नहीं था, और जहाँ से खुल के लगाया वो सर्किट फिलहाल अलग प्रॉब्लम था, जो ट्रांसफार्मर था उसका प्रॉब्लम था। तो यहाँ से मैंने IC खुल के लगाया, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको पावर देता हूँ, फिलहाल मैं पावर दे देता हूँ, इस पर पावर दे दिया मैं, इसको स्विच को दे देता हूँ। आ चुका है मेरा रेड वाला, नहीं बज रहा था तो इसमें मैं लगा दिया। ये देखिए दोस्तों, ये ऑलरेडी आ चुका है, ये देखिए डांस कर रहा है, मैं ऑडियो छू रहा हूँ तो स्पीकर। ये देख सकते हैं पहले यहाँ पर था, अभी ये खराब था, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। तो मैं बजा के दिखाऊंगा अभी आप लोग को लाइव। तो इसमें मैं पेंडे डाल दिया, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए IC भी खराब था, लेकिन अभी इसमें तब भी ऑडियो नहीं आ रहा है, इसमें चेक कर लेता हूँ, इस पे आ रहा है, लेकिन अब देखिए इस पे नहीं आ रहा था, इसमें तो पहले ऑडियो ही नहीं आ रहा था, लेकिन अभी ऑडियो आ रहा है, लेकिन अब तो इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम आपका कहाँ पर हो सकता है ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसमें प्रॉब्लम दिखाने का आप लोगों को मौका मिल गया मुझे, तो मैं पूरा डिटेल से बताता हूँ, तो आप लोग देखते रहिए वीडियो को अच्छे से। यहाँ पर ऑडियो चेक करना है, यहाँ पर ऑडियो है फिलहाल मेरा, तो ये फॉल्ट हम लोग का पैनल में है, वो पैनल में हम लोग जाऊँगे, ठीक है।
ये फॉल जो है पैनल में है, ठीक है, पैनल में यहाँ पर फोल्ड है इसका, ठीक है। तो मुझे पहले इसको खोलना पड़ेगा, इसको भी खोलता हूँ। अगर किसी ने खोला हुआ था पहले तो अलग प्रॉब्लम है, कुछ टूटा होगा तो वो भी अलग प्रॉब्लम है। तो मैं इसको यहाँ से मुझे खोलना पड़ेगा, देखिए दोस्तों यहाँ से मुझे खोलना पड़ेगा। तो मैं इसको खोल लेता हूँ एक बार। हेलो दोस्तों, तो मैंने इसको ऑलरेडी निकाल लिया। तो अब मैं इसको दिखाता हूँ कहाँ पर इसका प्रॉब्लम है। यहाँ से जो RL USB किट से जो RL आउट हुआ है वहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो इसका आवाज़ मैं कम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से हो रहा है। अगर आप लोगों का भी इसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये प्रॉब्लम कहाँ पर है। यहाँ से जो RL आउट हुआ है यहाँ पर देखिए एक उठा हुआ पिन, तो इसमें प्रॉब्लम है ये वाला। और यह प्रॉब्लम ज़्यादातर आपका वॉल्यूम में आता है, लेकिन यह वॉल्यूम में ही गया हुआ है RL, ठीक है। तो यह पर सॉकेट में, तो मैं इसको अच्छे से टाइट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसको टाइट अंदर तक देता हूँ, टाइट कर देता हूँ, ठीक है इसको। तो यह फॉल्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो इसमें आवाज़ देख सकते हो आपको, जो ये ऑडियो आ रहा है तो वहाँ से ही आ रहा है। ये देख सकते हैं ये जो रेड वाला पॉइंट था उसमें ऑडियो नहीं आ रहा था, और वाइट वाला में तो आ रहा था। देखिए इसमें भी आ रहा है, और मैं रेड में लगाता हूँ तो देखिए इसमें भी आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आज का प्रॉब्लम मैंने आपको दिखा दिया कहाँ पर आता है, और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है ये जो वॉल्यूम है ये इसमें RL नहीं पहुँच पाता है, और वो वहाँ से ही प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन ये जो है नया सेट था, थोड़ा सा कुछ दिन चला उसके बाद में ये प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम, आज का प्रॉब्लम यहीं पर ख़त्म करता हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए।